मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में पहले पानी ले लेते हैं और फिर इसमें 400 ग्राम गुड़, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें। आज जो हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे वो शादी वाली मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। पिछली बार हमने स्पेशल गुड़ की चिक्की बनाई थी जिसे पंजाबी चिक्की भी कहते हैं। गुड़ को जल्दी गालने के लिए ऐसे खुरपे से तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें ताकि आसानी से गुड़ गल जाए और चाशनी जल्दी तैयार हो जाए। उबाल आने के बाद भी इसमें चम्मच को लगातार हिलाते रहें ताकि जो छोटे छोटे जो बाकी का गुड़ बचा है वो भी गल जाए इसके अंदर। तो गुड़ लगभग गुड़ पूरा गल चुका है और उबाल आ चुका है। थोड़ी धीरे धीरे चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती जा रही है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें। तो लगभग चाशनी आने वाली है, नजर रखते रहिए इस चाशनी पे। ये धीरे धीरे चाशनी के अंदर से रेड रेड बबल्स निकल रहे हैं इसलिए आप इसके अंदर लगातार हिलाते जाइए, चम्मच को रोके नहीं बिल्कुल भी, ध्यान रखिए चम्मच को रोका नहीं और ये आपकी चाशनी पूरी काली हुई नहीं। चाशनी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अभी रेड रेड बबल्स कुछ ज़्यादा ही निकलने आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से आप इस ट्रिक को ध्यान रखें कि जब चाशनी आपकी इतनी गाढ़ी हो जाए और ये रेड रेड बबल्स निकलने आ जाए तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी चाशनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आने वाली है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए ये रेड रेड बबल्स निकल रहे हैं, तब आप गैस को बंद कर दें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आपकी चाशनी बिल्कुल नहीं अलग आने वाली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसमें तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन। फर्श पे थोड़ा सा तेल या ऑयल लगा ले, तेल ऑयल लगा लेते फर्श पे ताकि जब मूंगफली का ये पेस्ट हम यहाँ नीचे डालें तो चिपके नहीं। ये फर्श पे डाल देते हैं। तो अब इसके छोटे छोटे लोहिया तोड़ के अभी इनको संचे में डाल देते हैं। अगर आपके पास संचे नहीं है तो कोई बात नहीं, संचे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी थाली में ले लें, छोटी सी प्लेट है उसमें डाल दें और इस पर थोड़ा सा यूँ बेलन, आपकी इच्छा तो नहीं लगाएं या वेरी परफेक्ट सर्कल है ये, इसी तरह और भी